garagnat. Mërma atë kamu e moksh, qaruhi, prakar ke purusharth manushya ke jivan me ram deta hai. Aapke jivan ka uddesh, jo aapka swas hai, usme agar kisi bhi prakar se dushit pan aata hai, to rog grasit ho jata hai. इसी तरह से हमारे मन में भी मन रूपी शुद्ध स्वस्थ रखने के लिए सात्विक श्वास होना बहुत जरूरी है. जिसके जीवन में सात्विक श्वास है वही राम को समझ सकता है. और दे दो इसके पे और दो. हाँ, मतलब मुझे वैसे क्वेश्चन हो जाए इस टाइप से. आप बोलते जाए, मैं करते जाऊं नोट. परमात्मा ये कहते कि निर्मल जन मन सोई मोए पावा. इस मनुष्य योनि में आने के बाद मनुष्य पशु की योनि तो बहुत जीता है, लेकिन मनुष्य की योनि जीना बहुत कठिन होती है. मनुष्य योनि जीवन में प्राप्त होती है, अच्छे कर्म करो तो देव बनता है, उससे अच्छे कर्म करो साधु बनता है, और मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करो तो राक्षस बनता है. लेकिन राम ना राक्षस बनाता है, ना साधु बनाता है, ना देव बनाता है. शुद्ध श्वास रूपी राम ये मनुष्य बनाता है. और मनुष्यत्व सहजता प्रेम जो भजता मम प्रीति पूर्वकम परमात्मा कहते राम एक प्रेम प्यारा, तो मन रूपी बुद्धि रूपी इंद्रिय रूपी ये शुद्ध श्वास होना बहुत जरूरी है. अब आगे विषय दो श्वास आगे इसी पे चले थोड़े कहीं भी आपको भी टॉपिक में कितने कितने पांच टॉपिक चाहिए मेरे को इसके विश्वास पर्याप्त है. हाँ ठीक है. अब विश्वास लक्ष्मण रूपी विश्वास राम के हर एक समय में उसका सानिध्य और उसका साथ देता है. विश्वासम फलदायकम. अविश्वास राक्षसी की वृत्ति है, तर्क कुतर्क राक्षसी वृत्ति है, लेकिन दृढ़ता ये देव वृत्ति है, साधु वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति है. मनुष्य के जीवन में किसी भी एक विश्वास को पकड़कर अगर सफल होना है, शांति के साथ जीना है, समृद्धि के साथ जीना है, तो उस व्यक्ति को लक्ष्मण रूपी विश्वास, क्योंकि पूरे जीवन काल में लक्ष्मण का कभी यह नहीं आता है कि परमात्मा के ऊपर अविश्वास किया हो. इसमें एक सूत्र ये कहता है कि लक्ष्मण कहते हैं कि राम मेरे हैं, और भरत कहते हैं कि मैं राम का हूं. इसमें बहुत अंतर पड़ता है कि जब राम मेरे हैं तो देव अधीनस्थ होते हैं, और मैं उनका हूं तो हम उसके अधीनस्थ होते हैं. मेरे हैं उसको आदेश दिया जाता है, हम उसके हैं तो उसको आदेश का पालन करना पड़ता है. तो जीवन में विश्वास रूपी लक्ष्मण जिसको कहते हैं लक्ष्य और मन, जिसका लक्ष्य और मन दोनों का ही एक है, वो दृढ़ विश्वास है. गीता हमेशा कहते कि एतात्मा दृढ़ निश्चया. बस आगे से तलाश. अब तलाश का आपका ट्रैक कैसा है?
लैंडिंग और टेक ऑफ एक समय में एक ही होती है। तो आपकी तलाश सात्विक की है, राजसी है, तामसी की है, जिस तलाश में आप संगति संग दोषे न सती चमती भी ब्रह्मा कहा है। तो मनुष्य के जीवन का जैसे अगर इस यहां सांप निकले तो हम एक भी टिक नहीं सकते हैं, लेकिन वही सांप अगर किसी शिव मंदिर में हो तो लोग आरती लेकर जाते पूजा करते हैं। तो इसी तरह से आपका स्थान फाउंडेशन क्या है, उस फाउंडेशन के आपका स्वभाव कैसा है। हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव को पहचानने की जरूरत है। क्रोधी है, अविश्वासी है, लोभी है, दम्भी है, कामी है या भजनानंदी है। षड अवगुणों के साथ में है या ईश्वरीय सानिध्य के निरंतर आपको कौन सा भाव अच्छा लगता है। ईश्वर को देखने के बाद आपके मन में तर्क कुतर्क आते हैं या ईश्वर को देखने के बाद आपके आंखों में अश्रु आते हैं। जहां अश्रु है वहां आश्रय प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जहां कुतर्क है वहां पतन हो जाएगा। इसलिए जीवन में आपका फाउंडेशन तलाश अच्छी होना चाहिए। तलाश का मतलब आप समझ रहे हैं? समझिए हाँ। ठीक है। बस आगे? आगे हाँ। प्रकाश, बुद्धिमताम प्रकाश हो। आपकी मति में प्रकाश कौन सा है? सुमति है या कुमति है? हनुमान जी महाराज के अंदर आप देखते कि सुमति निवार, जिसको हम कहते कि कुमति निवार सुमति के संगी। महाराज जी कुर्सी दे। बड़ी चर्चा करी है। एक प्रकाश बाह्य जगत का है और एक प्रकाश अंतरंग का है। जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं देखा नहीं, देखा।